हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सेकंड का नया टॉपिक दैट इज इक्वी पोटेंशियल सर्विस इससे पहले कि अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से एस टी पर जरूर देख लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑल्सो अगर फर्स्ट चैप्टर भी अगर आपसे मिस हो गया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाकर प्लीज ग्रो थ्रू कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज इक्वी पोटेंशियल जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ऐसे सर्विसिस जहां पर इक्वल पोटेंशियल हो नाम से क्लियर हुआ कि ऐसे सर्फेसेस जहां पर इक्वल पोटेंशियल हो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं ये एक चार्ज करती हूँ तो यहां पर अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी ऐसे जाएगी यही डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक है अब अगर मैं एक ये कंसीडर करती हूँ एक ये सरफेस कंसीडर करती हूँ ठीक है ये सरफेस कंसीडर करती हूँ इस सरफेस पे अगर मैं ध्यान से देखू तो कोई भी पॉइंट ये पॉइंट उठाऊ ये उठाऊ यहां से यहां से जहां मर्जी से कोई भी पॉइंट उठाऊं तो जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल की क्या पोटेंशियल uh, का क्या फॉर्मुला रहता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या रहेगा पोटेंशियल इक्वल्स टू वन अपॉन वे फोर पाई एप्सल नॉट सोर्स चार्ज अपॉन वे वहां से लेकर वहां तक का डिस्टेंस तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहां से लेकर यहाँ तक का सेम रेडियस रहेगा पूरे सर्कल में सेम रेडियस रहेगा ठीक है सोर्स चार्ज भी एक ही है तो यानी कि इस रेड वाले सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा या इक्वल रहेगा तो ये एक जो एक सरफेस क्रिएट हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल ऐसे ही मैं एक और बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है इस सर्कल पे भी आप यही देख सकते हो कि अब यहाँ पर जो आर है तो अब आर बड़ा हो जाएगा है ना लेकिन हर पॉइंट पे वही आर रहेगा तो ये भी एक क्या बन गया एक ऐसा सर्फेस जहाँ पर इक्वल पोटेंशियल है वन मोर थिंग ये अलग सरफेस है ये अलग सरफेस है राइट right? ऑब्वियसली ये सरफेस फर्स्ट की बात हो रही है ये सरफेस सेकंड की बात हो रही है ऐसे ही मैं जितने भी सर्कल ड्रॉ करूँगी इस चार्ज के ऊपर वो सब एक अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगे क्यों क्योंकि सबका डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से डिफरेंट होगा बट उस सर्कल पर एट एवरी पॉइंट एट एवरी पॉइंट जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा इक्वल एनी सर्फिस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस एक ऐसा सर्फेस जिसके हर पॉइंट पर क्या रहे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहे किसी भी पॉइंट पर उसे हम क्या कहेंगे इक्वे पोटेंशियल सर्फिस कहेंगे जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ज के लिए ड्रॉ किया है सेम अगर मैं ऐसे ही इसको एक डायपल के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा डायपल क्या होता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज ठीक है तो मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव चार्ज है तो इक्वे पोटेंशियल सर्फिस जो होते हैं ना इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा नॉर्मल होते हैं क्वी पोटेंशियल सर्फेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहते हैं रहते हैं ठीक है कि या perpendicular to surfaces. ये ध्यान रखेंगे हम ओके तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं कैसे रहती इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती है तो ये ऐसे रहेगी ऐसे राइट right, तो ये हमने ड्रॉ किया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन तो अब हम इसी से रिलेटेड हम ड्रॉ करेंगे सर्फेस कैसा बनेगा और हमेशा जो सर्फेस रहेगा वो क्या रहेगा परपेंडिकुलर टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ठीक है तो ध्यान से देखना कैसे रहेगा ये चीज तो अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर पेंडिकुलर ये 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 परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये 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 अगर मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ एक साथ मिला देती हूँ तो क्या बनता है हमारे पास ये कुछ इस तरीके का सरफेस क्रिएट हो जाता है राइट right? ये इस तरीके का सरफेस क्रिएट हो गया तो इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा मैं और ड्रॉ करती हूँ इसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किए तो वो सर्कल्स कैसे बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे यहाँ पे एक साथ है तो ये ऐसे रहेगा यहाँ दूर दूर है तो यहाँ पे सर्कल ऐसा हो जाएगा ठीक है फिर से यहाँ पे साथ साथ है तो ये साथ साथ ऐसे रहेगा और फिर यहाँ आते आते सर्कल इस तरीके से ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये रहेगा इसका इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सेम अगर नेगेटिव के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो नेगेटिव के लिए भी सेम यही रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल्डाइन्स पास पास है तो ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये 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 फिर यहां से ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो अगेन यहाँ पर हमारा पास में रहेगा यहाँ थोड़ा सा दूर हो जाएगा ये सरफेस इस चार्ज से क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल्डिंग साथ साथ है ऐसे ही दूसरा जब हम ड्रॉ करेंगे वो भी कुछ ऐसा बनेगा साथ साथ देन दूर ठीक है फिर यहाँ अगेन यहाँ से साथ साथ फिर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये दूर होगा तो इस तरीके से एक डायपोल का ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस रहेगा इसके लिए पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए अब अगर जैसे यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव था अगर दोनों तरफ सेम चार्जेस हो जाते हैं मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाते हैं तो कैसा सर्फेस ड्रॉ होगा तो अगर सेम चार्जेस हैं मान लो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है ठीक है अब पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है यहां से बाहर की तरफ निकलती है है ना इससे भी बाहर की तरफ निकलती है तो निकालते हैं ये इसकी ऐसे रहेगी ये ऐसे रहेगी ये ऐसे रहेगी ठीक है ये ऐसे ये ऐसे अब ये ऐसे ऐसे नहीं जा पाएगी क्यों क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक ऐसे ही रह जाएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही रह जाएगी पास में नहीं जा पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं सेम नेगेटिव के लिए भी सेम रहेगा ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आइंस ऐसे रहेंगी ठीक है तो ये चीज रहेगी अब अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ पोटेंशियल सर्फेस अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है अब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर पेंडिकुलर देखूँ ये परपेंडिकुलर ये 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 परपेंडिकुलर ये पर अगर इसको हम साथ में ज्वाइन कर देती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का सर्फेस बन रहा है यानी कि अब यहाँ पर ये यह क्लोज रहेगा चार्ज के यहाँ पर थोड़ी सी दूर रहेगा सेम यहाँ पर भी ऐसे ही ड्रॉ होगा एक और सर्कल ड्रॉ करे तो ये ऐसे रहेगा ठीक है तो ऐसे ही नेक्स्ट ड्रॉ कर अगर करते हैं तो ये पास में देन यहाँ से थोड़ा दूर सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा रहेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास में है तो वहां पे पास वाला सर्कल फिर ऐसे थोड़ा सा दूर फिर ऐसे पास पास देन दूर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स यहाँ पास पास और फिर यहाँ से ऐसे दूर ठीक है और फिर कुछ एक ऐसा आ जाएगा जब हम ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे इस तरीके से तो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस के लिए इक्वी पोटेंशियल ठीक है अब ये तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी जहां पर कम ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो यहां पर भी ऐसी थी कम ज्यादा थी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या थी ज्यादा फिर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम होती जाती है सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है यहाँ पर भी ऐसा होगा अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर यूनिफॉर्म होगी तो हमारी कोई पोटेंशियल सर्विस कैसे बनेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं एक बार के लिए जैसे कि मान लो ये हो गया तो मान लेते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे सरफेस है कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर सारे के सारे कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ठीक है तभी यहाँ से क्या निकल रही है इलेक्ट्रिक फिल्ड निकल रही है ठीक है इस तरीके से हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर एक सरफेस हो उसके ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की Uh, कैसी शेप uh, आती जैसे कि कोई कॉम होती है कंघी की तरह कंघी या ब्रश की तरह है ना हेयर ब्रश की तरह कि उसके हेयर ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं वो ऐसे निकल रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर हमें ड्रॉ करनी हो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस कैसे ड्रॉ करेंगे तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सर्फेस की क्या रहेगी परपेंडिकुलर ठीक है तो जो uh, सर्फेसिस ड्रॉ होंगे मान लो ये सर्फेस है ठीक है तो यहाँ पर क्या है एट एवरी पॉइंट जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा है ना क्योंकि सोर्स चार्ज से वो क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है तो ये पूरा का पूरा जो रहेगा पूरा का पूरा क्या रहेगा वो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस रहेगा ऐसे ही हम जितने मर्जी यहाँ पर पैलर सर्फेस ड्रॉ कर ले तो ये अगेन एक इक्वी पोटेंशियल हो गया ऐसे ही एक और अगेन इक्वी पोटेंशियल हो गया और भी ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि पूरा का पूरा सरफेस, जो क्या जितने भी पैलर आप सरफेस ड्रॉ कर रही है कि यहाँ से इस चार्जेस से क्या रहते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं दैट्स दैट्सवाई उनका इक्वी पोटेंशियल जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है दैट्स वाई दी सरफेसेस आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल स्पेशली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्विसेज तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहती है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज और एन इक्वी पोटेंशियल सर्विस कि अगर मैं कोई इक्वी पोटेंशियल सर्विस उठाती हूँ उसके ऊपर मैं एक चार्ज को यहाँ से लेकर कहीं और लेकर जा रही हूँ चार्ज को तो मैं कहूँगी मैंने कोई काम नहीं किया कोई भी वर्क डन नहीं हुआ ऐसा क्यों

पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पर तो क्यों क्योंकि पोटेंशियल क्या है यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है यहाँ भी यहाँ भी हर जगह पे सेम ही पोटेंशियल पोटेंशियल है तो उनमें डिफरेंस तो होगा ही नहीं है ना तो अगर इसको ऐसा लिखा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ वी बी माइनस वी ए मान लो अगर ये मेरी फाइनल पोजिशन है ये मेरी इनिशियल पोजिशन है तो ये तो ज़ीरो ही हो गया डिफरेंस है ही नहीं तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कि कोई वर्क डन ही होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी यह कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपैंडिकुलर रहती हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के राइट right? थर्ड क्या कहती है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर सर्फसेज जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं और जहाँ वीक होती है वहाँ पर सर्विसज फर्दर पार्ट दूर दूर होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा मैंने बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर सर्विसज आप देखो पास पास हैं है ना क्लोजर है और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वीक हुई यहाँ पर जो सर्फेस हो गए वो फर्दर अपार्ट हो गए दूर दूर हो गए थोड़े ये हो गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है नो टू सर्फेसिस इक्वी पोटेंशियल सर्विस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सर्विस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे मान लो ये चीज़ है ये ऐसे क्रॉस कर जाती है ऐसे क्रॉस ये इंटरसेक्ट अगर कर जाते आपस में तो इसका मतलब क्या होता कि इनकी दो डिफरेंट क्या हो गई हैं वैल्यू uh, हो चुकी हैं दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर आ रही है इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर आ रही है जबकि इक्वी पोटेंशियल सर्विसिस का मतलब क्या है जहाँ पर इक्वल पोटेंशियल हो और अगर पोटेंशियल डिफरेंस का ही अगर दो दो अलग डायरेक्शनस आ गई हैं उसका मतलब क्या हो गया दो अलग पोटेंशियल्स हो गए विच इज़ नॉट पॉसिबल विच इज़ नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि एक सर्फेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या, है? क्या है? रहता है पोटेंशियल क्या रहता है बिल्कुल सेम रहता है दैट्स वाई इसके सर्फिसज़ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं तो ये था ऑल अबाउट इक्वी पोटेंशियल सर्विसज अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन क्या होता है तो हम अभी बात करते जा रहे थे वाइबर पोटेंशियल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड्स की तो अब हम उनके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन क्या होता है तो उसके लिए एक छोटा सा सेटअप क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई पॉइंट ओ है जिसके ऊपर एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू पड़ा हुआ है ठीक है अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होंगी ठीक है पॉजिटिव से निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ठीक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब मान लो मुझे किसी का पोटेंशियल निकालना है ठीक है तो मैं क्या करती हूँ मानती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ पर यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज है इस चार्ज को उठाकर मुझे यहाँ से यहाँ लेकर आना है ठीक है तो इसको मैं सोर्स चार्ज है ना तो बड़ा मान लेते हैं इसको टेस्ट चार्ज होता है ये ये टेस्ट चार्ज होता है इसको हम छोटा मानते हैं ना यूनिट चार्ज मानते हैं तो मान लो ये ए पॉइंट से मेरे को इस बी पॉइंट तक ऐसे लेकर आना है ठीक है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं डी आर डी आर मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस ठीक है तो अब देखो ये एक सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ठीक है ये एक टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है राइट और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतना इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है तो अब अगर हम वर्क डन निकालें कि यहां से लेकर यहाँ तक चार्ज को लाने में कितना काम किया गया है तो वकडन कैसे निकलता है वकडन का फॉर्मूला क्या रहता है फोर्स इज ठीक है इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं लिखना चाहो तो अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहो दैट्स टोटली अप टू यू ठीक है तो ऐसे लिख दिया ये हम क्रॉस क्रॉस नहीं है ये ये नॉर्मली मल्टीप्लाई है ठीक है तो हम एक काम करते हैं हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे तो वकडन इज इक्वल टू फोर्स इन टू ठीक है अब फोर्स निकालना है आपको कि फोर्स यानी कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है हम इसको इधर लेकर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है है ना तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन ये दोनों ही दोनों क्या यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है ये इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट इधर ले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धकेल रही है इसको तो क्या लगेगा नेगेटिव साइन लग जाएगा अभी फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो W का फॉर्मूला डन का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास माइनस क्यू डी आर तो ये आ गया आपका पहला वर्क डन कि आपने कितना काम किया है इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए ठीक है ये तो हमने फोर्स के फॉर्म में निकाल लिया अब एक और वर्क डन हमें पता होता है है ना क्या एक और वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है चार्ज इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हमने पढ़ा है ठीक है तो चार्ज ये हम उठा के इधर लेके आ रहे हैं ये रहा चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल पोटेंशियल दिए। माइनस इनिशियल पोटेंशियल तो इनिशियल पोजिशन पे जितना पोटेंशियल था फाइनल पोजिशन पे जितना पोटेंशियल था तो ये हो गया बी बी माइनस वी ए ठीक है दैट ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज पोटेंशियल डिफरेंस डीबी ठीक है तो अब ये हो गया W इक्वल्स टू क्यू डी वी ये आ गई आपके पास सेकेंड वर्क डन ठीक है है तो दोनों वर्क डन नहीं है कि इन मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट तो यानी कि दोनों को क्या करना चाहिए हमें इक्वेट तो हम क्या कर देंगे इक्वेटिंग वन एंड टू तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू ई डी इक्वल्स टू क्यू डी अब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया इसको हम कैसे लिख सकते हैं ई माइनस डी तो ये आ गया आपके पास रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है मोस्ट रोइबली अगर आपको एक चीज बताऊं तो डीवी बाई डी आर क्या होता है डीवी बाई डी आर का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट तो आपको पता ही होगा जब कभी भी किसी भी चीज को अगर हम टी से होता है अगर डिवाइड बाई टी होता है टाइम सेट करते हैं तो वो उसका हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कहते हैं है ना लेकिन अगर किसी भी चीज़ का डिवीजन अगर डिस्टेंस से होता है तो हम उसका ग्रेडियंट कहते हैं ऊपर जो भी चीज होगी उसका हम उसको क्या कहते हैं ग्रेडियंट निकाला है हमें इसका ठीक है तो अगर हमें इसको डिफा, करूं, तो क्या होगा पोटेंशियल हम कह सकते हैं साथ साथ कैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं ठीक है अगर मैं इस रिलेशन को डिफाइन करूं वर्ड्स में तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दैट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया है ठीक है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आ, और डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सलेशन आपने यूज करना है ठीक है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट टू कंक्लूजन में आपको बताऊंगी सबसे पहला कंक्लूजन क्या है सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज इज स्टीपेस्ट क्या कह रहा है वो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन होती है जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट होता है यानी कि बहुत ज़्यादा होता है पोटेंशियल डिक्रीज मतलब कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करती हूँ आपको पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर पोटेंशियल कम है ठीक है तो यानी कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो इधर पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है और यही डायरेक्शन है किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ठीक है तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं वहां पे पोटेंशियल हमारा बढ़ता है अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है द मैग्नेटिक द सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट नॉर्मल टू द एट एट दैट परिवर्त यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो वही बात आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा क्या होती है नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होती है या परपेंडिकुलर होती है इक्वी पोटेंशियल सर्फिस कि अगर हम किसी भी यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं अगर ये पॉइंट है अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ इक्वी पोटेंशियल सर्फिस तो क्या बनेगा इस तरीके से जैसे सर्कल सा बन जाएगा तो ये जैसे सर्कल बनेगा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपकी पर है ये चीज़ है इसका कहने का मतलब है ठीक है तो ये दो कंक्लूजन हमने इस रिलेशन से निकाले रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल ठीक है तो अब हम बात करते हैं कि अगर यही चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ला के रख दिया है तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें तो नेक्स्ट आता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इसका मतलब अभी हम समझते हैं बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनर्जी क्या होती है एनर्जी हमने छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कैपेसिटी टू तो डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी है ना तो हमने एनर्जी का और वर्क डन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम लिखते थे हम राइट right? यही करते थे हम तो एनर्जी वही है कि कितना हमने काम किया है उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है और उसी को ही हम उसकी क्या बोलेंगे एनर्जी कहेंगे जैसे कि तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है ठीक है ये इस तरीके का ऐसे स्प्रिंग है ओके ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है ठीक है है ये स्प्रिंग अब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो यानी कि ना यहाँ पे एनर्जी है ना यहाँ पे ना हमने कुछ भी नहीं कर रखा एनर्जी है ही नहीं पास ठीक है अब क्या है अब मैं इस बी पॉइंट को ना मैं क्या करती हूँ मैं इसको ना इसके पास ले जाने की कोशिश करती हूँ इसको मैंने ना वॉल के साथ ऐसे अटैच कर दिया एक वॉल के साथ मैंने अटैच कर दिया इसको ठीक है अब मैं क्या कर रही हूँ इसको ना मैं पास ले जाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ तो मान लो मैंने यहां से ले जाकर मैंने यहाँ पे इसको ले आई हूं मैं यहाँ पे और अब अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये वापस चला जाएगा है ना तो मैंने यहां से लेकर यहाँ तक लाकर इसको ना बांध दिया किसी ना किसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया ठीक है अब यानी कि इस पॉइंट पर इसके पास कोई ना कोई एनर्जी जरूर है क्यों क्योंकि अगर जैसे ही मैं इसकी टाई खोलूंगी इसकी नोट खोलूंगी तो क्या होगा ये वापस चला जाएगा वापस क्यों जाएगा क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई है तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया है सो दैट ये यहाँ पे आके रुक जाए यहाँ पे मैंने इसको टाई कर दी मैंने कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम किया है वही काम जो है वही वर्क डन जो मैंने किया है वो एक एनर्जी के फॉर्म में इसके पास स्टोर हो गया है दैट्स वाई हम कहते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी तो एनर्जी और वर्क डन की इक्वल होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से तो यू इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट फ्रॉम या फिर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो अब इसको आप एक चार्ज की तरह समझ सकते हैं ठीक है एक और चीज कंसिडर करिए इसके अंदर यहाँ पर कि मान लो ये मैंने यहां पर लाके रख दिया ठीक है अब यहां पर ये वॉल नहीं थी ठीक है ये वॉल नहीं थी तो ये जो ए पॉइंट था ठीक है ये बी पॉइंट था अब वैसे तो इनिशियली पॉइंट बी ये था लेकिन मैं फाइनली इसको यहाँ तक ले आई हूँ यहाँ तक ले आई हूँ ठीक है अब मैंने इसको तो पकड़ के रखा ही हुआ है अब अगर मैं इसको छोड़ दू इसको छोड़ दू ठीक है तो ये भी तो क्या हो जाएगा दूर चला जाएगा ना ये चाहे यहीं पर ही पड़ा है लेकिन ये क्या हो जाएगा दूर चला जाएगा तो यानी कि मैं क्या कहूँगी एनर्जी इसके पास है या एनर्जी इसके पास है भाई एनर्जी तो दोनों के पास है ना एनर्जी दोनों के पास है जैसे मैंने इसको बेशक मैंने वर्क डन इसके ऊपर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए का काम किया है अगर मैं इसको छोड़ दू तो ये दूर चला जाएगा यानी कि इसके पास भी एनर्जी आ गई है इसके पास भी एनर्जी है यानी कि जो एनर्जी है वो इसके पास भी है और इसके पास भी है तो दोनों के पास एनर्जी होने की वजह से हम इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस सिस्टम बोल देते हैं दो के बारे में बात हो रही है दैट्स वी कॉल इट एज सिस्टम अब सेम चीज हम इसको लेकर जाते हैं चार्जेस के लिए तो मान लो ये कोई एक सोर्स चार्ज क्यू है ठीक है और ये कोई चार्ज है आपका टेस्ट चार्ज क्यू स्मॉल क्यू है इसको पॉइंट uh, से इसको बी पॉइंट तक हमने यहां तक लाने के लिए कोई ना कोई वर्क डन किया है राइट और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है ठीक है तो अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखू पोटेंशियल लिखो तो पोटेंशियल क्या होगा पोटेंशियल बीबी वन अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट सोर्स चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस वर्क डन की अगर हम बात करते तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है पोटेंशियल इंटू चार्ज या चार्ज इंटू पोटेंशियल तो चार्ज कौन सा होता है टेस्ट चार्ज होता है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ठीक है विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वन अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट क्यू अपॉन में आर और मैंने अभी, अभी अभी आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन या कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी और यहाँ कौन सी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी तो हम इसको लिख सकते हैं यू इक्वल्स टू वन अपॉन मे फोर में आर तो ये हो गया आपके पास एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस हम इसको सिस्टम क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो चार्जेस की वजह से एनर्जी है एक की वजह से नहीं अगर खाली एक चार्ज कहीं भी पड़ा हुआ है इसमें कोई एनर्जी नहीं क्योंकि क्यों हम इसको उठा के कहाँ लेकर जा रहे हैं कहीं भी घुमा लो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं तो ये तभी क्रिएट होगा ना जब दूसरा चार्ज होगा पोटेंशियल के लिए दूसरा सोर्स चार्ज तो होना ही चाहिए तो जब सोर्स चार्ज इसके आसपास नहीं होगा तो टेस्ट चार्ज को जहां मर्जी घुमाते फिर उसके पास एनर्जी है ही नहीं तो उसके पास एनर्जी तभी क्रिएट होगी जब हम उसको किसी दूसरे चार्ज के पास लेकर जा रहे होंगे तभी हमें वर्क डन करना पड़ेगा तो दो की वजह से एनर्जी क्रिएट हो रही है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस तो ये तो हो गया आपके पास टू पार्टिकल्स के लिए ये हो गया आपके पास टू पार्टिकल्स के लिए सिमिलरली अगर थ्री पार्टिकल्स के लिए लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे तो थ्री पार्टिकल्स के लिए अगर आपने लिखना है तो आप कैसे करेंगे मान लेते हैं आपके पास कोई एक यहाँ पर है ये मान लो Q1 है मान लो Q2 है ये मान लो Q3 है ठीक है इनका जो डिस्टेंस है वो R12 है इसका जो है R23 है इसका डिस्टेंस R13 है ठीक है अब आपको पोटेंशियल लिखना है इन सब की वजह से ठीक है तो कैसे लिखेंगे सबसे पहली बात पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पहले इन दोनों के लिए बात करते हैं क्यू वन क्यू टू के लिए बात करते हैं तो क्या होएगा वन अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट एक चार्ज सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज कहने की तो ये बात होती है लेकिन दो चार्जेस दोनों चार्जेस को ही हम लेते हैं Q1 Q2 अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस प्लस अब नेक्स्ट के लिए बताओ वन अपॉन में फोर पाई एप्सोलॉट क्यू टू क्यू थ्री अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस प्लस वन अपॉन में फोर पाई एप्सोनॉट थर्ड के लिए क्या हो जाएगा क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस न राइट इट एज टेकिंग नॉट कॉमन अंदर क्या बोझेगा तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री पार्टिकल्स ठीक है सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस क्लियर होगी बात सिमिलरली ये तो हो गया थ्री के लिए अगर फोर के लिए लिखना हो तो फोर के लिए क्या होगा मान लो एक यहाँ पे है एक यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है ठीक है तो ये हो गया Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इसका डिस्टेंस मान लो R12, वन टू इसका R23, टू थ्री इसका R आर थ्री फोर इसका R14। वन फोर ठीक है अच्छा तो अब देखते हैं इन सब के लिए क्या रहेगा ओके तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ये आएगी वन अपॉन में फोर पाई एप्स तो हमारा कॉमन आ ही रहा है ठीक है अब हमें सिर्फ चार्जेस का कॉम्बिनेशन देखना है तो Q1 की वजह से किस किस के पास एनर्जी आएगी Q2 के पास Q3 के पास भी आएगी और Q4 के पास भी आएगी तीनों के पास होगी एनर्जी तो हमें Q1 का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा Q2 के साथ ठीक है फिर Q1 का Q3 के साथ फिर Q1 का Q4 के साथ डिवाइड में R12 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो आर वन थ्री हो गया ये हो गया आर वन फोर हो गया तो वन का हो गया वन का किस किस की वजह से एनर्जी आएगी अच्छा अब टू के लिए बताओ टू के लिए टू वन टू थ्री एंड टू फोर यहाँ के लिए बनेगा ठीक है ये इसके लिए आर टू फोर लगा लो ये हो जाएगा क्यू के लिए लेकिन क्यू वन और टू का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने तो उसको नहीं लिखेंगे हम तो क्यू टू का किसका कॉम्बिनेशन बनेगा Q2 का Q3 के साथ एंड Q4 के साथ तो हम लिख देंगे Q2, Q3, R23। फिर Q2, Q4, R24। 2 टू का भी कॉम्बिनेशन हो गया अब थ्री का बताओ थ्री का कॉम्बिनेशन किस किसके साथ बनेगा Q1, Q2 के लिए एंड Q4 के लिए तो Q3 का Q1 के साथ ऑलरेडी है Q2 का Q3 के साथ भी ऑलरेडी है तो Q3 का किसके लिए सिर्फ बना Q4 के लिए बना तो Q3 Q4 फोर अपॉन में आर थ्री फोर अब Q4 का देखो Q4 का वन के साथ टू के साथ थ्री के साथ तो फोर वन या वन फोर लिखा है कॉम्बिनेशन फोर टू या टू फोर लिखा है कॉम्बिनेशन थ्री फोर थ्री फोर ये हो गया आपका तो ये हो गया आप लोगों का फोर चार्जेस के लिए तो अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर मान लो सात या फिर सात हाँ या तो सात लगा लो आठ लगा लो मान लो इतने टेस्ट चार्जेस हैं तो उनके बीच में किस कि, कितनी कितनी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है एन एन माइनस वन अपॉन में टू ये फॉर्मूला रहेगा जैसे कि यहाँ पे थ्री चार्जेस थे तो थ्री मल्टीप्लाई टू बाई टू तो टू से टू कैंसिल थ्री तो तीन आ गए तीन शन आ गए यहाँ पे फोर थे है ना तो फोर इंटू थ्री बाई टू तो ट्वेल्व बाई टू दट इज सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गए सिमिलरली ऐसे कोई भी आपको नंबर दे दिया मान लो आठ चार्जेस दे दिए गए हैं तो एट इंटू सेवन बाई टू तो एट को हमने टू से कैंसिल कर दिया फोर फोर सेवन सा क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट तो इस तरीके से आप वो इस फॉर्मूले से सारे के सारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बता सकते हैं

तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट करना है कि हमें कितना वर्क करना पड़ा इस अरेंजमेंट को ऐसे रखने के लिए ठीक है तो एज यू नो दैट कि जो भी हमारा वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करता है डिपेंड करता है हमारी फाइनल पोजिशन पे है ना नॉट ऑन द पाथ या नॉट ऑन द अरेंजमेंट जिसपे हमने उसको लेकर गए हैं कि हम मैं एक चार्ज को उठा के ऐसे घुमा के इधर रखूं या ऐसे ले जाके उधर रखूं या सीधा लेकर जाऊं तो पाथ पे नहीं डिपेंड करा वहां पे पहुंच गया चार्ज वो मैटर कर रहा है हमारे लिए है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस अरेंजमेंट का नहीं निकालना हमें एक एजम्स कंसीडर करनी पड़ेगी कि मान लो एक चार्ज तो यहाँ पे ऑलरेडी था ठीक है ऑलरेडी यहां पर था तो अगर एक चार्ज यहां पर था बाकी कोई चार्ज थे ही नहीं यहाँ पर अब इस चार्ज को चाहिए मैं ऐसे ऐसे मर्जी जैसे मर्जी घुमाऊं इसके ऊपर तो कोई वर्क डन नहीं हुआ क्यों क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि खाली एक चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है जिसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है ये ऐसे घूमे ऐसे घूमे जैसे मर्जी घूमे ना इसने कोई वर्क डन किया ना इसके पास कोई एनर्जी है क्यों क्योंकि इसके आसपास कोई सोर्स चार्ज है ही नहीं जिसके अगेंस्ट या जिसके पास इसको जाना हो तो जहां मर्जी घूमे हम कहेंगे इसने कोई वर्क डन नहीं किया क्लियर होगी ये बात जब तक ये यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई और चार्ज में इसके पास लेकर आऊं तो हम कहेंगे भाई इसमें कोई ना कोई वर्क डन एनर्जी आ गई है ये इसने कोई ना कोई वर्क डन करा है हमने वर्क डन करा इसको दूर से यहाँ पर पास लाने के लिए क्लियर है खाली जब तक है उसने कोई काम नहीं किया हुआ सिंगल्स की कोई वैल्यू नहीं है ठीक है चलो आगे चलते हैं ये हो गया आपका वर्क डन ए की वजह से तो हो गया जीरो ठीक है अब हमें डन निकालना है नीड टू ब्रिंक चार्ज माइनस क्यू टू ए यहां तक हमें जो चार्ज हमें लेकर आना है उसके लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ा है ओके okay. तो वर्क डन फॉर बी के लिए तो वो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है उसका चार्ज ठीक है चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है फाइन अब जो चार्ज है कौन सा चार्ज है ये नेगेटिव वाला चार्ज है ठीक है तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वन अपॉन मी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अब इसके लिए सोर्स चार्ज ये है ठीक है तो ये हो गया सोर्स चार्ज प्लस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डी डी रिवॉल्ड रखा है तो ये हो गया डी क्लियर है ये बात ठीक है तो यहां से आपके पास आ गया माइनस क्यू स्क्टर अपॉन मे फोर बाई एप नॉट इन डी ठीक है तो ये वर्क डन नेगेटिव क्यों आया इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ठीक है हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास हम एक नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं ठीक है तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होती है अट्रैक्शन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो क्या होगा एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है है ना डिस्प्लेसमेंट इस ट्रैक्शन में और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वैसे तो क्या हो रहा है कि हमें इसको यहाँ पे रोकना है पड़ रहा है तो फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है इसके अंदर क्या और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है है ना उसको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन हमें इस चार्ज को यहीं पर ही रखने के लिए उसको हमें इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा के देना पड़ रहा है कि भाई यहीं पर ही रुक जाओ है ना तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में फोर्स डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है 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 दैट्स जो इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, वो क्या नेगेटिव है? है. तो प्रैक्टिकली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है तो ये था बी पार्ट सिमिलरली बात करते हैं सी सी पे पॉइंट पे अगर चार्ज आता है तो क्या होगा तो ये इसका वर्क डन हो गया अब इसके लिए बात करते हैं सी के लिए बात करते हैं वर्क डन फॉर सी अब ये सी के लिए जो काम कर रही हैं वो कैसे किस किसकी वजह से होगा जैसे मैंने अभी बताई फोर चार्जेस के लिए है ना तो ये तो एज इट इज हमने मान लिया जब इसको हम लेकर आए तो वो इसकी वजह से इसके अंदर वर्क डन हुआ अब ये दोनों यहाँ पे पड़े हुए हैं एक और हम चार्ज लेकर आ रहे हैं तो इस चार्ज को इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा है ना तो ऐसे इसके अगेंस्ट भी काम होगा और इसके अगेंस्ट भी काम होगा तो ये हो गया ए सी है ना अच्छा तो हमें निकालना इसको कितना काम करना पड़ा राइट तो ये हो जाएगा आपके पास चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है थी? किस किस का पोटेंशियल डिफरेंस एक ए की वजह से और एक बी की वजह से है ना यहां पर क्या था ए की वजह से था पोटेंशियल डिफरेंस इनका कितना था ए बी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के लिए यहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा ए सी का प्लस पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा बीसी का ठीक है थी? तो ये हो गया चार्ज ये पोटेंशियल डिफरेंस ए सी का वन अपॉन मे फोर ए के लिए सोर्स चार्ज हो गया क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस ए सी बताओ मेरे को कितना होगा ये एक स्क्वायर है तो ये एक ट्राइंगल बन गया पाइथागोरस लगा दो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर तो ए सी कितना आ जाएगा रूट टू डी ठीक है ये हो गया रूट टू डी प्लस इसके लिए बताओ वन अपॉन में फोर पाइन एप माइनस क्यू अपॉन में डी बीसी का डिस्टेंस क्या है डी है ये हो गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में uh, तो हम लिख सकते हैं क्यू कॉमन यहाँ आ जाएगा फोर बाय एप्स नॉट कॉमन एक डी कॉमन आ जाएगा अंदर क्या बचेगा यहाँ पर ये डी कॉमन है ये सब कॉमन यहाँ पे बचेगा वन बाय रूट टू ठीक है और माइनस और यहाँ पे ये सब पूरा का पूरा कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा वन तो ये हमने निकाल लिया सी के लिए वर्क डन ठीक है सिमिलरली अब हम डी के लिए वर्क डन निकालते हैं अब ये जो डी है अब ये हम जब चार्ज लेकर आए हैं तो ए भी पड़ा था बी भी पड़ा था सी भी पड़ा था सब पड़े थे है ना तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्क डन डी के लिए कितना हुआ डी के पास चार्ज है माइनस क्यू माइनस क्यू इन पोटेंशियल ड्यू टू ए डी के साथ बी डी के साथ और सी डी के साथ ठीक है तो ये हो गया ए बी बी डी अगेन ये क्या है इसका टाइगनल है तो इसकी भी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी रूट टू डी ही रहेगी ठीक है तब तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस क्यू वन अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट ए डी के लिए क्यू अपॉन क्यूपन डी प्लस इसके लिए करो बी डी के लिए लिखो वन अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट चार्ज क्या है माइनस का क्यू अपॉन में रूट टू डी ठीक है फिर अब c के लिए करते हैं वन अपॉन में फोर पाई एप्सोलॉट क्यू अपॉन में इसका डिस्टेंस क्या है d तो ये हो जाएगा d ठीक है अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है q कॉमन आ रहा है ठीक है तो बाहर हो जाएगा क्यू स्क्वायर एंड वन अपॉन में फोर पाई एप्सोलॉट कॉमन आ रहा है एंड d कॉमन आ रहा है अंदर क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा वन यहाँ पे बचेगा आपका माइनस वन अपॉन में रूट टू बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वन अगेन ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एपसो नॉट बी ये हो जाएगा टू माइनस वन अपॉन में रूट टू तो ये हो गया डी के वजह से तो अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन वो क्या होगा वर्कडन ए के लिए बी के लिए कितना किया सी के लिए कितना किया और डी के लिए कितना किया ए के लिए तो जीरो था ठीक है बी के लिए कितना निकल के आया था आपके पास माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट डी सी के लिए ये सी के लिए ये निकल के आया था तो सॉरी यहां पे आपने क्यू कॉमन लिया था ना तो क्यू स्क्वायर हो गया तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट डी वन अपॉन में रूट टू माइनस वन ठीक है और फिर डी के लिए क्या निकल के आया है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट टू अपॉन में वन माइनस रूट टू ठीक है अब इन सब में जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है क्यू स्क्ल नॉट डी कॉमन आ रहा है यहाँ बच जाएगा माइनस वन ये तो आ ही गया कॉमन यहां पे क्या आ रहा है प्लस वन बाय रूट टू माइनस वन यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है माइनस है एक तो बाहर तो ये हो जाएगा माइनस का टू माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन में रूट टू ये आ गया तो इसको हम प्लस कर लेते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्स नॉट डी माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का फोर प्लस टू अपॉन में रूट टू ये हो गया ठीक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं ठीक है इसको इसे कैंसिल करेंगे रूट टू आ जाएगा माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का फोर एंड माइनस का रूट टू तो ये आ गया आपका आंसर तो इतना वर्क डन किया है फॉर दिस अरेंजमेंट तो ये हो गया आपका टोटल ठीक है तो ये था आपका ए पार्ट बी पार्ट क्या कह रहा है अ चार्ज क्यू इज ब्रॉड टू सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर द फोर चार्जेस ब्रिंग हेल्थ फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर

यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम है यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम सबका डिस्टेंस सेम okay. है ओके अब डिस्टेंस तो सेम हो गया ऑल्सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव नेगेटिव तो ओवरऑल सारा का सारा क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो हम लिखेंगे कैसे एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आपको कि टोटल चार्ज काम कितना करना पड़ेगा ई सेटअप के लिए तो ये हो जाएगा क्यू नॉट है तो क्यू नॉट अब पोटेंशियल डिफरेंस ए ई के लिए ठीक है बी e ई के लिए एंड सी ई के लिए एंड डी ई के लिए ये हो जाएगा ठीक है तो क्यू नॉट सब में वन अपॉन में फोर बाई एप्सल नॉट तो कॉमन आएगा ही आएगा अब इसके लिए बताओ इसके लिए सोर्स चार्ज हो गया क्यू और डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि टोटल क्या है आपके पास टोटल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है रूट टू डी तो रूट टू डी का हाफ हम करेंगे तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा डी अपॉन में रूट टू ये हो जाएगा ठीक है ओके तो ये हो गया क्यू अपॉन में डी बाय रूट टू ठीक है फिर बी ई के लिए आ जाओ माइनस क्यू अपॉन में डी बाय रूट टू फिर सी के लिए आ जाओ प्लस क्यू अपॉइंटमेंट डी बाई रूट टू फिर डी के लिए क्यू अपॉइंटमेंट डी बाय रूट टू तो आप यहाँ देख सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज जीरो तो वर्कडन टोटल कितना हो गया आपका जीरो तो ये था इसका बी पार्ट एंड थैंक यू दल कर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वेश्चन थैंक यू